केएमटीवी देखने वाले सभी दर्शकों का मैं श्रीकांत केएमटीवी में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जी दर्शकों, आज की बड़ी खबर जो आ रही है आरमोरी से। आरमोरी नगर पंचायत अंतर्गत घन कचरा व्यवस्थापन एवं सफाई कार्यों पर कार्यरत 80 मजूरों ने किमान वेतन, बीमा एवं ईपीएफ को लेकर किया रास्ता रोको आंदोलन। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। आयोजक केंद्रीय मानवाधिकार संगठन सम्माननीय जीवन समान अधिकार हेतु 12 वर्षों से निरंतर कार्य करने वाला एकमात्र संगठन केंद्रीय मानवाधिकार संगठन आज ही सदस्य बने। आरमोरी नगर परिषद अंतर्गत घन कचरा व्यवस्थापन एवं सफाई कार्य पर 3 वर्षों से कंत्राटी पद्धति से 80 कामगार कार्यरत थे। 3 वर्षों से किमान वेतन, बीमा, ईपीएफ, इन मुद्दों पर हर कंत्राटदार ने उनका आर्थिक शोषण किया। इन मुद्दों पर सवाल या पूछताछ करने पर उन्हें काम से निकाल दिया गया। उनकी समस्या का निवारण न होने पर सभी कामगारों ने रास्ता रोको आंदोलन करना पड़ा। नगर परिषद हर साल घन कचरा व्यवस्थापन एवं सफाई कार्यों की ऑनलाइन तरीकों से कंत्राटदार को विशिष्ट अटी एवं शर्तों के साथ दिया जाता है, जिसमें किमान वेतन, बीमा, ईपीएफ का भी समावेश होता है। मगर अब तक किसी भी कंत्राटदार ने नियमों का पालन न कर उन्हें कचरे की टोकरी दिखाते हुए मनमानी की है, जिसका भुगतान कामगारों को भुगतना पड़ रहा है। इस बारे में तकरार देने पर भी नगर परिषद शासन प्रशासन को कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। क्या नगर परिषद आरमोरी शासन प्रशासन कंत्राटदार से मिला हुआ है? शायद इसी कारणवश कामगारों को आज रास्ता रोको आंदोलन करना पड़ा। कामगारों ने अपने अधिकारों की बात की तो उन्हें काम से निकाला गया, फिर भी नगर परिषद प्रशासन चुप क्यों? ये सवाल उठ रहा है। पहले साल घन कचरा व्यवस्थापन एवं सफाई का कार्य हर्षल प्लम्बिंग वर्क हर्षवर्धन गौतम सुखदेवे पवनी इनको दिया गया। यह कंत्राटदार ने मजूरों के मजूरी से ईपीएफ काट कर वो ईपीएफ उनके खातों में जमा न कर खुद खाया। आज भी सभी मजदूर उसके पीछे पैसों के लिए घूम रहे, मगर पैसा अब तक नहीं मिला। दूसरा कंत्राटदार दीपक उत्तराधिकारी अमरावती या जो अभी तीसरा कंत्राटदार आया, उसने भी वही तरीकों से शासन एवं मजदूरों का आर्थिक नुकसान किया है। सभी कामगारों को पुनः कार्यान्वित करें एवं मजदूरों का किमान वेतन, बीमा, ईपीएफ प्रदान करें और जिन कंत्राटदारों ने शासन एवं मजदूरों का आर्थिक शोषण किया उन कंत्राटदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, यह मांग सभी कामगार एवं ग्रामवासी कर रहे हैं। ऐसे ही बड़ी खबरों से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। हमेशा देखते रहिए केएमटीवी। धन्यवाद।